हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल आसो एडिटिंग जोन। गाइस आज हम लोग कुछ इस टाइप के पबजी स्पेशल फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आई नो गाइस पबजी इंडिया में वापस आ चुका है और आप लोग बहुत एक्साइटेड हुए होंगे। चलिए गाइस हम लोग पबजी वाली एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। एक बात और गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही आप लोगों को इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। गाइस इन सब बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही टिल्ट शिफ्ट नाम का एक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसको दोनों हाथों से अपने इसको छोटा करना है और नीचे लाना है और इसको कम करते ही और इसके साइज को हम लोग 6% का लेंगे। 6% करते ही आप लोगों को डन कर देना है। यहाँ से डन करते ही आप लोगों को सिंपली आप लोगों को ऐड फोटो में जाना है। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोगों को अपने मॉडल की फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। हम लोग मॉडल की फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से करने के बाद अपनी फ़ोटो को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद इसको ऐसे करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसके हम लोग एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। पहले नहीं गाइस सिंपली आप लोगों को इरेज करना है। इरेजर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अपने हाथों को इरेज कर लेना है कुछ इस तरीके से। अभी आप लोग सोच रहे हैं हाथों को क्यों इरेज कर रहे हैं। गाइस हम लोग यहाँ पर इस वाले हाथ में ग्लव्स व्लव्स नहीं पहने हैं, तो अभी जो फोटो आएगी उस पर ग्लव्स व्लव्स पहने रहेंगे, उसको ऐड करेंगे, हाथों को ऐड कर लेंगे। यहाँ से करने के बाद आप लोग को ये डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। डुप्लीकेट कॉपी को बनाने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते कलराइज मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है आप लोगों को। फिर उस पर टैप करके इसकी हुई को पूरा माइनस कर देना है। फिर इस फोटो को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद हम लोग चलेंगे एडजस्ट में, थोड़ा फ़ोटो को एडजस्ट कर लेते हैं। हुई पे चलेंगे, इसको +24 के राउंड रखेंगे। चलिए गाइस हम 24 के राउंड रख लेते हैं। इसको रखने के बाद इसके सेचुरेशन को पूरा फुल कर देना है। फिर यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद आप लोगों को इरेजर वाले ऑप्शन पर जाना है, इन्वर्ट करना है। रिस्टोर करने के बाद इसकी हार्डनेस को पूरा माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हम लोग फ़ोटो को जूम करके एडजस्ट इस पर साइड पे पेंट कर लेंगे। इससे क्या होगा गाइस कि जो आग यहाँ पर जल रही है उसकी इफ़ेक्ट आएगा इस पर, ऐसा लगेगा जैसे कोई इफ़ेक्ट आ रहा है बॉडी पे एकदम। चलिए गाइस यहाँ पर डन हो चुका है। यहाँ पर मेरा हाथ का पार्ट रह गया था, उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए गाइस हम लोग इरेज कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इरेज करने यहाँ पर ये सब होने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद इसकी आप लोगों को एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। सॉरी गाइस यहाँ से आप लोगों को एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। फिर इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन से करके ऐड पर करना है। ऐड पर करने के बाद देखिए गाइस कुछ ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो हम लोग चलेंगे इस पर। डन करने के बाद आप लोगों को ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोगों को एक पबजी वाले पीएनजी मिलेगी, उसको ऐड कर लेना है। इसके ऐड कर लेना है। फिर इसके हाथों को यहाँ पर लगाएंगे, इसके हम लोग ओपेसिटी कम कर लेते हैं। हम लोग ओपेसिटी को फुल कर देंगे। अब यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो को कर लेंगे जूम। इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे,
यहाँ से हाथों को अपने रिस्टोर कर लेंगे। हाथों को रिस्टोर करने के बाद आप लोगों को चलेगा, ये देखिए गाइस कुछ बॉडी का पार्ट आ चुका है, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर मेरा हाथ भी एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट पे फिर इस पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट में चलेंगे। एडजस्टमेंट में जाने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेंगे, हल्का सा बढ़ाने के बाद इसके सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे। गाइस यहाँ ये सब करने के बाद आप लोगों को फ़ोटो को कर लेना है डन। डन करने के बाद आप लोगों को फिर ऐड फ़ोटो पे जाना है। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद आप लोगों को एक फिर इसी टाई वाले पीएनजी मिलेगी, टाई वाले पीएनजी को आप लोगों को इसे जूम करके ऐड कर लेना है। ऐसे आप लोगों को ऐड कर लेना है। फिर इरेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जो टाई का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग इरेज कर लेंगे फ़ोटो को जूम करके। ये यहाँ पर सही है। चलिए गाइस मेरे फ़ोटो भी लग गए, यहाँ से करेंगे डन, फिर इसको भी कर देंगे डन। डन करने के बाद ऐड फ़ोटो में फिर से जाएंगे, फिर से आप लोगों को पबजी वाले मॉडल की पीएनजी मिलेगी, आप लोगों को उसको ऐड करना है। पबजी वाले मॉडल के फ़ोटो को ऐड करते के बाद आप लोगों को बैक की पीएनजी मिलेगी, इसकी ओपेसिटी को आप लोगों को कम कर लेना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को ओपेसिटी को फुल करना है, फिर इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है। इरेजर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इन्वर्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आप लोग बैक को रिस्टोर कर लेंगे। ऐसे रिस्टोर करने के बाद आप लोग को जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप लोगों को उसको इरेज कर लेना। इरेज करने के बाद यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद फिर इधर से भी डन कर देना है, फिर से आप लोगों को ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोगों को एक मॉडल के पीएनजी मिलेगी पबजी वाले मॉडल, उसको फिर से दोबारा ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर इसको इस साइड करना है, इसके ओपेसिटी को हम लोग कम करेंगे। ओपेसिटी को कम करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को फुल करेंगे, फिर इरेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इरेजर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ से रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट इरेजर वाले ऑप्शन के लिए यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद इधर से भी डन करना है। आप लोगों को फिर से एक पबजी वाली मॉडल की मिलेगी पीएनजी, उसको भी ऐड कर लेना है। फिर इसको जूम करना है। गाइस हम लोगों ने बेल्ट नहीं पहना है, बेल्ट को ऐड कर लेंगे। इसको जूम करने के बाद फिर से इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को फुल करेंगे, फिर से वही करेंगे। इरेजर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद फिर रिस्टोर करेंगे। फोटो को जूम कर लेते हैं। फ़ोटो को जूम कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है फिर से आप लोगों को उसको इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद आप लोगों को यहाँ से डन करना है। एडजस्ट करने के बाद इधर से भी डन कर देना है।
डन करने के बाद आप लोगों को एक हेलमेट की पीएनजी मिलेगी, उसको ऐड कर लेना है। हेलमेट वाली पीएनजी को ऐड करने के बाद आप लोगों को जूम करके अपने हाथों पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेट करने के बाद आप लोगों को इस नीचे वाले पार्ट को इरेज कर लेना है। इरेजर पे जाने के बाद इसके हार्डनेस को फुल करके इरेज कर लेना है, ऐसा लगे तक कि अपने हाथों में पहना है हमने। ये हो गया, फिर यहाँ से डन करेंगे। गाइस हम को लोग को इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी, एडजस्ट करने के बाद एफएक्स में चलेंगे। एफएक्स में चलने के बाद कलराइज में जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन से कलराइज में जाएंगे। इसके ह्यू को 24 के राउंड रखेंगे हम लोग। ट्वेंटी फोर के राउंड रखते ही डन करना है इधर से। यहाँ से फिर एडजस्ट में चलेंगे, फिर इसकी ह्यू को इंक्रीज करना है राउंड इतना। फिर यहाँ से सैचुरेशन को फुल कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम ही करेंगे, क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ से डन करेंगे। फिर इसकी इरेजर पे जाने के बाद इन्वर्ट पे क्लिक करना है। फिर रिस्टोर इन्वर्ट पे करने के बाद रिस्टोर करना है, इस साइड साइड ऐसे पेंट कर लेना है इधर से ऐसे पेंट करने के बाद, ताकि ऐसा लगेगा ना जैसे मतलब कुछ इफेक्ट आ रहा है उस पर। इसको ऐड करने के बाद यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोगों को एक गन की पीएनजी मिलेगी। आप लोगों को सिंपली इसको इस तरीके से ऐड कर लेना है, इसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप लोगों को ऐसे ऐड कर लेना है। ऐसे ऐड करने के बाद इसको फिर यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आप लोगों को सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद टिल्ट शिफ्ट पे जाना है। इसको हम लोग ऐसे करने के बाद इधर कर लेंगे, उसे इधर कर लेंगे। इधर करने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है, इन्वर्ट पे क्लिक करना है। जो ये पैन की स्किन है यहाँ से डन करेंगे। फिर इसकी ओपेसिटी को अराउंड हम लोग इतना कर लेते हैं, 6 के आसपास करते हैं। इसको डन कर लेना है। यहाँ से डन करने के बाद गाइस यहाँ से डन करने के बाद आप लोगों को सिंपली ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोगों को एक टेक्स्ट पीएनजी मिलेगी, उसको ऐड कर लेना है। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को टेक्स्ट पीएनजी मिलेगी, आप लोगों को उसको ऐड कर लेना है। गाइस इसका साइज़ थोड़ा छोटा करने के बाद हम लोग इधर ऐड कर लेंगे, फोटो को जूम करके ऐड करने के बाद इस फोटो को भी डन करते हैं। चलिए गाइस यहाँ से चल करने के बाद फ़ोटो को कर लेते हैं सेव, फिर चलते हैं लाइट रूम में। ड्रॉ टूल में चलने के बाद फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। चलिए गाइस मिलते हैं लाइट रूम। सिंपली गाइस हम लोग लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही आप लोगों को लाइट वाले ऑप्शन पे जाना है। लाइट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को माइनस करेंगे, फिर शैडो को इंक्रीज करेंगे, वाइट को भी इंक्रीज करेंगे, ब्लैक को तो हल्का सा कम कर लेंगे। गाइस फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट टूल की ओर टिंट को हल्का सा बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस को हल्का सा अराउंड 14 के आसपास रखेंगे। गाइस फिर चलते हैं हम लोग मिक्स टूल में। मिक्स टूल में जाने के बाद
रेड येलो टोन में, येलो टोन में जाने के बाद इसकी हुई को माइनस करना है, सेचुरेशन को बढ़ा लेना है, और फिर इसी तरह ग्रीन में भी, ग्रीन में जाने के बाद इसको हुई को माइनस करने के बाद सेचुरेशन को भी प्लस कर देना है, ल्यूमिनस को इसके इंक्रीज कर सकते हैं। फिर ब्लू वाले टोन में जाने के बाद इसकी हुई को माइनस करना है, सेचुरेशन को इंक्रीज करना है, ल्यूमिनस को भी माइनस कर देना है। इधर ब्लू वाले कलर में जाने के बाद, फिर यहाँ जाने के बाद इसको हुई को माइनस करेंगे, सेचुरेशन को बढ़ाएंगे, ल्यूमिनस को भी हल्का बढ़ा लेंगे। गाइस इन दोनों का कलर हम, मुझे इस फोटो में चाहिए, इसलिए इन दोनों का कलर सेचुरेशन दोनों माइनस कर देता हूँ। माइनस करने से क्या रहेगा, इफेक्ट टोन नहीं आएगा इस पर। ले गाइस ऑरेंज टूल पे आने के बाद फोटो को, ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है, रेड वाले पे जाने के बाद इसकी हुई को माइनस इंक्रीज करना है, और ये करना है। गाइस बिफोर आफ्टर करके देख लीजिए गाइस, कितनी ऑसम फोटो लग रही है। यहाँ से फिर डन करेंगे, डन करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टूल में, इफेक्ट वाले टूल में। यहाँ से क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ाएंगे और विग्निटी को हल्का सा अराउंड इतना रखेंगे। गाइस हमारी फ़ोटो बन के तैयार हो चुकी है। चलिए गाइस हम लोग फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। मिलते हैं गाइस हम लोग अगले वीडियो में।